कपाल मोचन का दूसरा दिन है 12 नवंबर 2024 और मेरे पीछे देखते हैं कपाल मोचन सरोवर है और यहाँ पे बच्चे हैं जो यहाँ पे देख सकते इसमें तैर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, जो भी आपके सामने है इधर बातचीत करेंगे। इधर आ जाइए थोड़ा। ठीक है ठीक है। बिलासपुर मोगा से हैं। बिलासपुर मोगे। हाँ जी। तो यहाँ स्नान हो गया? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हमारा यहाँ पर लंगर लगा हुआ है बिलासपुर का और मैं हम हर एक साल आते हैं। कहाँ पे है लंगर, कौन सी जगह पे है? बंसी वाले बाबे के। बंसी वाले बाबे के। ये भी तुम्हारे साथ ही है? ये हमारे साथ ही है। हर साल आते हो? पहली बार आए हो? कैसा बढ़िया मजा आ रहा है? पूरी मस्ती कर रहे हैं? बिलासपुर से घूमने आए आप? अच्छा, ड्यूटी है यहीं पे? सो अच्छा, जैसे बच्चे ये छोटे बच्चे हैं ज्यादा नहीं कहीं मतलब मस्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं खतरा तो है? खतरा तो है। अगर रोलिंग चक्की खतरे ये रखता है जो अपने बंदे लगे हैं मैक में जी। इसी करके है जो कि मैक में सेफ्टी के लिए पब्लिक के लिए पब्लिक के लिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और यहाँ पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हुई है प्रशासन की। सर यहीं पे ड्यूटी है आपकी? तो जैसे यहाँ पे मतलब आपकी जिम्मेवारी बनती है कोई मतलब कोई हादसा ना हो के लिए? ठीक है सर। तो सर जैसे वो कश्ती है वो भी मतलब सेफ्टी के लिए? वो सेफ्टी के लिए जी जी सर। सर हम देखते हैं आप जो 10-15 साल के बच्चे होते हैं 18 साल के उनका दिमाग थोड़ा ऐसे होता है मंथली होती है तो होती है दिक्कत करने में रोलिंग से पार चले जाते हैं इसी के लिए ये कौन सा दिमाग थोड़ा मस्ती का होता है जी? हमको डांट भी नहीं सकते हैं लेकिन बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए प्रशासन के लोग हैं पूरी तरह मुस्तैद है, कपाल मोचन सरोवर है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें और अपने जेब कतरों से भी सावधान रहे। यहाँ पे आए हैं आप, स्नान कीजिए, मस्ती कीजिए लेकिन किसी को नुकसान ना हो कि बाद में कुछ पछताना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए CT71।